मेरा नाम जयदीप वर्मा है और मैं आप सभी का इस सीबीएसई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हमने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं, और इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और मैं आज बात करूंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को देखते हैं आगे तक। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब चित परिचित हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और हमारा जो कंटिन्यूअस का मतलब होता है ये कंटिन्यू से बना है। किससे बना है? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, तो उसी से बना है कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है जारी रखना, और टेंस का मतलब तो पता ही है बच्चों। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल, और काल का अभिप्राय होता है समय। ठीक है, तो ऐसा समय जो जारी रहे उसी बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी जो हो गया वो वर्तमान जारी काल। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान में कोई समय अगर जारी है तो उसी बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान कैसे करते हैं और इसको बनाते कैसे हैं। तो देखते हैं कि पहचान इसका ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, या रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, या हुए हैं, इत्यादि शब्द लगा रहता है। ठीक है, आप सब तो जानते हो केवल ये रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी है, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक है, इसको हम अभी उदाहरण में देख लेंगे कि ये इस टाइप का अगर आता है तो आप सब समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ये उसमें कुछ रूल्स हैं, उसके साथ वर्ब और मेन वर्ब की सब क्रियाएँ होती हैं, तब जाके वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और, इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है, यानी कि कार्य कोई अगर कोई करता कार्य कर रहा है तो वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, वो काम जारी रहेगा, और वो काम जारी तब तक रहेगा जब तक वह फिनिश ना कर दे, या फिर ये कहें कि वह समय हमारा निश्चित ना हो, यानी कि समय अज्ञात हो, मालूम ना हो। तो समय का जिसमें अब भाव न प्रकट हो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिनमें समय का कोई मतलब न रह जाए और वो काम जारी ही रहे। जैसे कभी कभार कोई बिल्डिंग अगर बन रही है तो महीना, दो महीना, चार साल, पाँच साल, बीस साल, दस साल, कभी भी पूरा हो सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कार्य जारी है। ठीक है, तो इसमें दो रूल्स यही हैं आपको, पहला कि इसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे होते हैं, और हमारा जो दूसरा ये रूल्स है इसमें किसी कार्य के जारी रहने का मतलब कंटिन्यू जारी रहने का बोध होता है, लेकिन समय हमारा ज्ञात नहीं होता है कि समय ज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ तक बात कर लेते हैं, उसके बाद आती है क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, तो सहायक क्रिया हमारा हेल्पिंग वर्ब इसका होता है इज, एम, आर। ठीक है, ये तीन लोग हैं, और तीनों लोग को आप ये समझ सकते हैं, ये तीनों आपस में क्या है, एक भाई हैं, तो ये इज, एम, आर, तो ये तीनों लोग भाई हैं, और इन तीनों का हम यूजेज अलग अलग जगह पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इज का प्रयोग देखेंगे कि इज को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इज का प्रयोग हम ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, या कोई नाम हो उसके साथ, या फिर किसी एक वचनकर्ता के साथ। तो किसी एक वचनकर्ता का मतलब होता है जिसमें केवल एक हो, और कर्ता का मतलब होता है करने वाला, जिसमें सेंटेंस में जो अहम रोल निभाता है उसी को बोलते हैं कर्ता। ठीक है, और बात करते हैं अब आर की, तो आर किसके साथ, यू, वी, दे, या बहुवचनकर्ता के साथ। तो जहाँ एक से अधिक लोग आ जाएंगे वहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ एक लोगों का बात किया जाता है तो वहाँ पे केवल हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अब बचा हमारा केवल एम, तो एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं। किसके साथ? केवल आई के साथ, और ये आई हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट का भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमने अभी चर्चा किया पहचान, पहचान में दो नियम था,
पहला नियम और दूसरा नियम देखे हैं, अगर आप सबको ना मालूम है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे वाक्य को अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुई है, या हुए हैं इत्यादि शब्द आते हैं, तो ये पहला हमारा था। और दूसरे में हमने लिखा था कि इसमें केवल किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है लेकिन समय हमें ज्ञात नहीं होता, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। और उसके बाद बात किए हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और कौन किसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक वचन करता है तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर करता हमारा बहुवचन है तो हम वहां पे आर का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता हमारा आई है, इसका मतलब आई है, तो हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये तीन बातें कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं अगला बनाने का नियम, ठीक है। तो बनाने के नियम में हम देखते हैं कि ये अगर कोई वाक्य मिल जा रहा है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, तो उसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। तो बनाने के नियम में सबसे पहले हम हमारा एक जो सेंटेंस का रूल है वो आता है अफर्मेटिव। क्या आता है? अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये सेंटेंस टाइप है, इसका मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, इसका मतलब सकारात्मक, जिसमें से हमको सकारात्मक चीज़ें निकले या फिर उस कार्य का या उस काम का होना पाया जाए। जैसे कि वह एक डॉक्टर है, तो इसमें सकारात्मक से ये अभिप्राय है कि वह एक डॉक्टर जरूर होगा, इसी को बोलते हैं हमारा सकारात्मक, जिसमें पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कैसे हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है इज, एम या फिर आर, ठीक है, प्लस उसके बाद हमारा क्या आएगा इसमें, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस आईएनजी फॉर्म रहेगा। मेन वर्ब के बाद ही हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है, उसके बाद हमारा अदर वर्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। तो भैया आपने देखा है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, अगर कोई वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिलता है आपको, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अभी आपको चर्चा किए हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो इज अगर हेल्पिंग वर्ब अगर इज लगाना है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो हम इज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट आर है तो हम सॉरी अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही सरल होगा आपके लिए समझना, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण लिखते हैं, अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे सभी कुछ क्लियर करना है हमको, ठीक है। अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अध्यापक एक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अध्यापक एक कार्य कर रहे हैं, वो कार्य है पढ़ाने का, ठीक है। वो अध्यापक क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य कैसा है, ये जारी है, ये काम पूरा हो नहीं चुका है, ठीक है, ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी ये कार्य जारी है। तो यानी कि अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब पहचान कैसे करते हैं, पहचान करते हैं ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि शब्द आते हैं, तो उनको हम क्या घोषित कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपने देखा है कि बनाने का नियम भी आप यहाँ पे देख लियो, कि सबसे पहले अगर वाक्य आता है तो वाक्य में सबसे पहले किसका मतलब लिखते हैं, किसका मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट चुनेंगे। तो अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कोई भी वाक्य है उसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अगर देखे ना हो तो जाके देख लीजिए वीडियो में, फिलहाल अभी के लिए फिर से बता दे रहे हैं कि अगर कोई वाक्य है और उसका हमको कर्ता पहचानना है, ठीक है, कर्ता पहचानना है, तो उसमें हमें कौन का प्रश्न करने पर कर्ता मिलता है। वाक्य में अगर कौन का प्रश्न करेंगे तो हमें कर्ता मिल जाएगा। जैसे कि अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि कौन गणित पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, तो इसी को बोलते हैं कर्ता, ऐसे पहचाना जाता है। कोई भी वाक्य है उसमें कौन का प्रश्न कर लेंगे तो हमें कर्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कर्ता मिल गया, तो चलिए कर्ता का मीनिंग लिखते हैं सबसे पहले। तो टीचर, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अभी हमने आपको बताया है कि ये टीचर
कैसा है, अगर एक वचन होगा तो इज लगा देंगे, अगर बहुवचन है तो आर लगा देंगे, ठीक है। बाकी एम का ये जो है ये केवल एक शब्द सॉरी एक कर्ता के साथ लगता है, वो तो जानते हो कर्ता कौन सा है, ठीक है। बात ये दोनों में है, इज और आर, ठीक है। तो ये एक वचन लग रहा है तो हमें इसके साथ इज का उपयोग करना होगा। तो टीचर इज, अब हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर। अब मेन वर्ब की बारी, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य कार्य। तो टीचर इसमें मेन काम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेन काम क्या कर रहे हैं, पढ़ाना। इज टीचिंग, अब कहाँ किसमें कहाँ पढ़ा रहे हैं, सॉरी अभी तो हमारा बचा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टीचर इज टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ। तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हो मैथ या मैथमेटिक्स लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लास में, तो इन द क्लास, ठीक है। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट पहचानते हैं। तो सब्जेक्ट हमने पहचान लिया, तो सब्जेक्ट पहचानने पे लग रहा है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। तो एक वचन अगर सब्जेक्ट होता है तो हम बताएं कि हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इज का प्रयोग कर लिए हैं। उसके बाद अब मेन वर्ब की बारी आती है, तो मेन वर्ब इसमें पढ़ाना है, तो टीच माने पढ़ाना, ठीक है। तो टीच लिख दिए और उसमें आगे लिखा है आईएनजी, तो आईएनजी लगा दिए, ठीक है। आईएनजी क्यों लगाते हैं, तो हमने बता दिया कि इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, इसलिए आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। तो टीचर इज टीचिंग, अब क्या पढ़ा रहे हैं, वो मैथ पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स। और कहाँ पढ़ा रहे हैं, इन द क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो इन द क्लास, ठीक है। तो समझ गए बच्चों, एक बार फिर से एक बार अच्छे से, अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार नोट्स लेकर बैठिएगा और इसको नोट करिएगा और उस पर फिर विचार करिएगा, ठीक है। तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों ये उदाहरण था हमारा अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव अगर आता है तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने बना के आपको दिखाया है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पीसीटी, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ऐसा वाक्य जिससे हमें नहीं का बोध हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं थोड़ा सा उदाहरण में, जैसे कि पक्षियां आकाश में नहीं उड़ रही हैं, पक्षियां आकाश में नहीं उड़ रही हैं, ठीक। तो इसमें नहीं आया है ना, तो जिस वाक्य में, अगर जिस वाक्य में नहीं आता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस किसका रहेगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता है, ती है, जो भी है। तो सबसे पहले पहचानते हैं कि हमने सब्जेक्ट, इसमें कौन का प्रश्न कर लीजिए, कौन आकाश में नहीं उड़ रहा है, तो पक्षियाँ नहीं उड़ रही हैं, यानी कि यह सब्जेक्ट हमारा हो गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे द बर्ड्स, ठीक है, द बर्ड्स, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, यानी नॉट लगाएंगे, द बर्ड्स आर नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, उड़ना, तो फ्लाई, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, फ्लाइंग प्लस आईएनजी। अब फ्लाइंग, अब कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, तो इन द स्काई, ठीक है। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, पक्षियाँ आकाश में नहीं उड़ रही हैं। तो अभी हमने देखा कि अफर्मेटिव को अफर्मेटिव बनाने के लिए इसमें नॉट नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव अगर आ जाता है तो हम नेगेटिव कहाँ लगाते हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली सेंटेंस की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव अगर वाक्य इसका आता है तो कैसे बनाते हैं, इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा अगर कुछ पाना है तो। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव। अभी हमने बात किया किसका, अफर्मेटिव नेगेटिव की, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत बार हमने चर्चा कर लिया इस विषय में। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, ऐसा वाक्य जिससे हमें प्रश्न का बोध हो उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो अब उदाहरण देख लेते हैं सबसे पहले, तब आपको समझ में आएगा। तो प्रश्नवाचक एक दो तरफ तो प्रश्नवाचक दो तरीके से वाक्य होता है, ठीक है। तो पहला वह हमने लिखा है, तो चलिए पहला हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य इस टाइप का रहता है और दूसरा देख लेते हैं कैसे टाइप का रहता है।
सॉरी, यहाँ सबसे पहला गलती यही होता है बच्चों से, इंट्रोगेशन मार्क लगाना भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मेट हमारा है क्वेश्चन पूछने का, और ये दूसरा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं डबल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसको एक और तरीके से बोलते हैं WH टाइप वर्ड, ठीक है। तो देखिए क्या राहुल पढ़ रहा है, और दूसरे के हम देखें राहुल क्यों पढ़ रहा है, ये दोनों हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं और दोनों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोनों को जो बनाने का नियम है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव है उसको कैसे बनाते हैं, उसका नियम क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं ना। अब देखते हैं जो ये इसके लिए नियम लिख रहे हैं हम। तो अगर ऐसा वाक्य आता है, ठीक है, कि मतलब जो क्या शब्द है वाक्य के अगर पहले आ जाता है तो बनाने के नियम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जिस टेंस को आप पढ़ रहे हैं उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से आप स्टार्ट करते हैं उसको बनाने का। तो सबसे पहले हम इज, एम या आर लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब में जानते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, इसमें आईएनजी लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये लगाना जो बहुत ज़रूरी है आपको। तो देख लीजिए फिर से कि ऐसे अगर वाक्य क्या शब्द, ठीक है, वाक्य के पहले आ जाता है तो हम ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसी के हिसाब से चलिए इसका ट्रांसलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या राहुल पढ़ रहा है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कौन का प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ रहा है, राहुल पढ़ रहा है, यानी ये सब्जेक्ट हमारा राहुल है, तो राहुल को देखने पे लग रहा है कि ये एक वचन है, ठीक है। अगर एक वचन है तो जानते हैं इन दोनों से मतलब है, बाकी ये इनका तो एक रिजर्व है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक लगेगा, तो हमने जाना है कि ये एक वचन के साथ, ये बहुवचन के साथ, तो ये राहुल हमारा एक वचन है, यानी कि इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इज हो गया, अब इज हो गया, अब उसके बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसकी बारी। तो राहुल सब्जेक्ट है, तो राहुल लिख दीजिए, इज राहुल। अब उसके बाद मेन वर्ब है, क्या कर रहा है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या कर रहा है इसमें, पढ़ रहा है ना। तो इज राहुल क्या है, मैंने पढ़ना रीडी, रीड मैंने पढ़ना, अब इसमें आईएनजी लगा दीजिए, इज राहुल रीडिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूरा हो गया, कोई बच रहा है, कोई नहीं बच रहा है, ठीक है। इज राहुल रीडिंग, समझ में आया। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, ना अदर वर्ड है इसमें, ठीक है। इज राहुल रीडिंग, क्या राहुल पढ़ रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो इसको नोट करिए तब तक, और अभी ये दूसरा बताते हैं तुरंत। चलिए अब देखते हैं हमारा ये दूसरा वाला जो डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है डबल का मतलब दोहरा, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। इसमें दो जिसका एक से अधिक उत्तर मिले हमको उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जिसमें केवल एक या आपके पास एक या दो ऑप्शन मिले उसका जवाब देने के लिए, तो उसे बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव ना। तो जैसे क्या राहुल पढ़ रहा है, तो आपको कहना है नहीं या फिर हाँ, तो दो ही चीज़ हो सकता है, वो पढ़ रहा है हाँ या नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अब लिखा है दूसरा, राहुल क्यों पढ़ रहा है, इसको डबल इंट्रोगेटिव इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक से अधिक हम उत्तर दे सकते हैं। राहुल क्यों पढ़ रहा है, अपने अच्छा भविष्य के लिए पढ़ रहा है, या अपने अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, या अपने अपने परिवार के लिए पढ़ रहा है, तो बहुत सारा इसका जवाब हो सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो फिलहाल ये रही बात की बात, अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसका भी कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले अभी रूल्स इसके स्केप करते हैं, अभी एक इसका उदाहरण और देख लेते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव का, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव का उदाहरण एक और देखते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आने लगे, तब आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं एक उदाहरण। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। देखिए आपको ये टेंस को दिमाग में रख कर आपको इसका बनाना है कि ये कौन सा टेंस है, इसमें कार्य जारी रहे कि नहीं जा रहे। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यानी कि वो जरूर खेल रहा है, यानी समझ में आया, कार्य जारी है।
तो अब देखिए इसका बनाते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो क्या तुम, तो कौन क्रिकेट खेल रहा है, तुम खेल रहे हैं, तो यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन आर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आर, अब उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम है, तो यू माने तुम, तो आर यू, अब मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो आर यू प्ले, अब इसमें आई एन जी लगा देंगे, आर यू प्लेइंग, अब उसके बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये हो गया हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसका जवाब हम एस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, थीके? बाकी का जो ऑप्शन है आपके पास वो शायद हो सकते नहीं है। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम जो है वो कैसे होता है, फिलहाल इसको लिखे रहने देते हैं, चल रहा है ना सर। चलिए अब डबल इंट्रोगेटिव के लिए कैसे होता है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड। अब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखिए हम उस वर्ड को लिखते हैं जिस वर्ड से हमको क्वेश्चन मिला है, जैसे ये क्यों है ना, तो उस वर्ड को लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, अब उसके बाद हम आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम मेन वर्ब लिख देते हैं, और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिख देते हैं, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहता है, और उसके बाद इसी में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं आपका, ठीक है। अभी हमने जो वाक्य लिखा था, क्या लिखा था, कि राहुल क्यों पढ़ रहा है, ठीक है, राहुल क्यों पढ़ रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है ना, तो आप क्यों का मीनिंग लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, मीनिंग, तो क्या है माने क्यों, तो जानते हो सभी लोग, वाई माने क्यों, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बारी, तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इज का प्रयोग, अगर नहीं है तो आर का प्रयोग, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है तो यानी कि हम इज का प्रयोग करेंगे, तो वाई इज, अब उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ये राहुल, तो वाई इज राहुल। अब देखिए राहुल के बाद क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, की राहुल के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, ठीक है, तो राहुल के द्वारा पढ़ने वाला कार्य चल रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो वाई इज राहुल, अब क्या है माने पढ़ना, रीड माने पढ़ना, अब इसमें आई एन जी फॉर्म लगाएंगे आप, तो वाई इज राहुल रीडिंग, उसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं है, तो यहीं पर ये सेंटेंस पूरा हो जाता है, ठीक है। वाई इज राहुल रीडिंग, राहुल क्यों पढ़ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डब्ल्यू एच टाइप वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब आपको एक कार्य दिया जा रहा है और उस कार्य को करना है, अभी कर लीजिए, तो एक हम सिंगल इंट्रोगेटिव से दे रहे हैं और एक डबल इंट्रोगेटिव से, ठीक है, यानी कि समझ लीजिए आप एक होमवर्क टाइप समझ लीजिए या फिर यहीं करने के लिए, तो सबसे पहले क्या वह अपने घर जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये आपको करने के लिए है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और दूसरा है बच्चा जोर जोर से क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, ठीक है, या ये आपको करने के लिए है, आप करेंगे, ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम अगली टॉपिक पे बात करेंगे, फिलहाल ये मिटा दे रहे हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, वर्ब में आई एन जी लगाने का नियम, ठीक है, कोई भी वर्ब है उसमें आई एन जी कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने पहला रूल लिखा है, जिन क्रियाओं के अंत में ई हो तो आई एन जी लगाते समय ई को हटा देते हैं, ठीक है, जैसे मेक, मेक माने बनाना, तो इसमें अगर आई एन जी हम लगाएंगे प्लस आई एन जी कर लें, तो अब देखिए हम इस ई को हटा देते हैं, ठीक है, एम ए के आई एन जी, मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं राइट, जैसे डब्ल्यू आर आई
टी ई प्लस इसमें आई एन जी अगर जोड़ना है आपको तो हम इसको आई ई को हटा देते हैं, ठीक है, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, ठीक है। तो जिन क्रियाओं के अंत में अगर ई आ रहा है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, ई को हटाकर आई एन जी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दो उदाहरण हमने आपको बताया है, आप लोग अपने से होमवर्क में कर लेना, 10-20 तो अपने से लिख लेना कि जिन क्रिया के अंत में ई है और उसमें आई एन जी लगाना है, आप लोग 20 से होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। लेकिन एक बात और है, नोट में एक नोट है आपके लिए कि जिन क्रियाओं में डबल ई आ जाए तो उसका ई हम नहीं हटाते हैं, ठीक है। जिन क्रियाओं में डबल ई आ जाए तो उनका जब आई एन जी उसमें जोड़ते हैं तो ई को नहीं हटाएंगे। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे आपने सी है, एस डबल ई, सी माने देखना, ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो अगर इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो इसका हम कुछ नहीं हटाएंगे, सब कुछ वैसे ही रहने देंगे, सी आई एन जी, तो सींग हो जाएगा। और जैसे फ्ली है, एफ एल डबल ई प्लस आई एन जी इसमें जोड़ना है तो हम इसको ई को नहीं हटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लिंग, ठीक है, सींग और फ्लेग। तो उम्मीद करते हैं इसका भी प्रैक्टिस अपने कर देंगे और ये हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चैप्टर है वो ख़त्म होता है इसी के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक आप एसएसपी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अगर आगे बढ़ना है तो। धन्यवाद।